तो क्या है मेरे प्यारे भाई, तो भाई लोग आप लोग को यहाँ पर पता है ये वाला गेम में बहुत प्यारा होने वाला है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत प्यारे प्यारे किल निकालने वाला हूँ एंड सबसे अच्छे किल यहाँ पर करने भी वाला हूँ। और आप लोग यहाँ पर किल देखोगे तो आप लोग पता क्या सोचोगे, पर लास्ट में जो प्लस मिलेगा वो आपको अच्छा खासा पर प्लस मिलने वाला है। पर मेरे भाई ये सीन ना मुझे भी यहाँ पर पता था कि भाई अच्छा खासा प्लस मिलेगा, पर यहाँ पर जो सीन हुआ ना भाई 101% में बोल सकता हूँ आप लोग के साथ पक्का हुआ होगा, 101% बोल सकता हूँ। कम से कम 100% में से 80% जो बंदे वीडियो देख रहे हैं ना उनके साथ हुआ हुआ। वो क्या हुआ है ना, वो लास्ट में देखना भाई, कसम से कह रहा हूँ। आप लोग भी यहाँ पे सोचो कि भाई स्कैम हो गया भाई, गंदा वाला स्कैम हुआ है। अब बढ़ते गेम प्ले के ऊपर, तो मैं बग्गी लेके सीधे रिकॉल पे निकलता हूँ। रिकॉल पे जब यहाँ पे एक सीन क्या होता ना, ये बंदा यहाँ पर जंप कर रहा था। अब भाई तब तक मैं इस बंदे को यहाँ पर मार चुका था, अब ये बंदा मेरे से मीटअप करने के लिए जंप कर रहा था, पर भाई मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और भाई गलती से मार दिया था भाई। भाई के लिए बहुत बुरा लगा एंड अगर भाई भी यहाँ पर वीडियो देख रहे ना तो भाई मेरे भाई सॉरी मेरे भाई, देखो गलती हो गई भाई, सच्ची में मेरे को नहीं पता था, ठीक है ना। और तो इस बंदे को यहाँ पर मारने के बाद ना मैं बग्गी लेके यहाँ से उस कैप्सूल के पीछे काफ़ी देर से लगा था, मतलब वो बंदा काफ़ी दूर तक मेरे को भाग ले गया था एंड काफ़ी दूर तक इसके पीछे करता रहता हूँ। तभी यहाँ पर एक अपार्टमेंट में एक बंदा होता है, तो मैंने सोचा इस बंदे से वाइड में फाइट लूंगा एंड जो कैप्सूल वाला बंदा सामने जा रहा था उसका पीछा करता हूँ। मुझे पता था भाई इस बंदे के पास यहाँ पर गन नहीं होगी और यहाँ पर आखिर में आके इस बंदे को मारता हूँ। भाई सच में बोल रहा हूँ ना, ये बंदा मेरे को इतना ज़्यादा घुमाया ना, पूरा मैप घुमा दिया था, पर मैंने सोच लिया था भाई इस बंदे को भाई छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर भाई को मारने के बाद ना तब यहाँ पर एक और बंदा आता है, अब मेरे को लगा भाई बंदा होगा पर यहाँ पर बॉट निकलता है और बॉट को मारने के बाद यहाँ पर टोटल 3 किल हो चुके थे। या थोड़ा बहुत लूट वूट करने के बाद ना मुझे पता था जो अपार्टमेंट का जो बंदा है ना वो वहाँ पर होल्ड करके पहले से यहाँ पर बैठा होगा, तो मैं बग्गी लेके सीधे उस बंदे के पास यहाँ पर निकल जाता हूँ। तभी ये वाला बंदा मेरे को इतना गंदा डैमेज देता है ना, फिर भी मैं इस बंदे पे यहाँ पर रश करता हूँ। तो भाई यहाँ पर लौंडे ने काफी अच्छा मेरे को यहाँ पर डैमेज दे दिया था, अगर ये बंदा मेरे पे पुश करता तो कास्ट हो सकता था बंदा मेरे को मार दिया अगर मेरे शॉट यहाँ पर मिस होती है। पर भाई लौंडे के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये बंदा यहाँ पर मर जाता है। भाई सच में इस बंदे के लिए बुरा लगा, पर बंदा यहाँ पर अच्छा खेल रहा था, पर कोई बात नहीं। भाई को यहाँ पर मारने के बाद ना मैं बग्गी लेके यहाँ से निकल रहा था, तभी हमें सामने कूप दिखती है, बग्गी में फ्यूल खत्म हो रखा था तो मैं कूप को उठा के यहाँ से जैसे ही निकलता हूँ मुझे यहाँ पर एक और बॉट मिल जाता और बॉट को मारने के बाद मैं कूप लेके यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी किल चाहिए थे क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पर रिकॉल था। तो मैं कूप लेके यहाँ से जैसे ही घूम रहा होता हूँ ना और जैसे ही मैं पोचंगी की साइड में आता हूँ, ठीक है, तभी जैसे मैं कूप को घुमा रहा होता हूँ मुझे लेफ्ट साउंड में जो ब्लू वाला जो घर है ना मुझे उस बंदे का यहाँ पर साउंड आ चुका था। मैं पहले बोल रहा हूँ भाई साउंड मेरे को आ चुका था, इसलिए मैं यहाँ पर सीधे AKM को लोड करता हूँ, उसके बाद ना सीधे उस बंदे पर निकलता हूँ। यहाँ पर बंदे को इजी मार देते हैं, मतलब एकदम से बाहर निकला ना तो भाई इस बंदे को मैं आराम से मार देता हूँ। और यहाँ पर भाई क्या ही लूट थी इस बंदे के पास, यहाँ पर पूरा लूट वूट करने के बाद ना मैं कूप में आता हूँ और कूप लेके यहाँ से निकल जाता हूँ पोचंकी से। मुझे लगा यहाँ पर कोई होगा नहीं, पर सच्ची बताओ यहाँ पर कोई भी नहीं था, मैं राउंड मार चुका था उसके, यहाँ पर कोई होता नहीं है। मैं कूप लेके यहाँ पर फिर से निकलता हूँ बंदे ढूंढने के लिए, और जैसे ही यहाँ पर गटका की साइड में आता हूँ ना भाई यहाँ पर तुम देखो भाई, इसीलिए नहीं बोलते कि DVS गंदी है भाई, बहुत गंदी गंदी DVS सच में यार, मतलब बंदे को क्या गंदा मारी है। अब यहाँ पर एक और बॉट आ जाता है, बॉट को मारने के बाद टोटल मेरे यहाँ पर 8 किल हो चुके थे और काफ़ी अच्छी यहाँ पर लूट भी मेरे को मिल चुकी थी। अब मैं सोच लिया था भाई 2-3 बंदे और मिल जाएंगे एंड उनको मारने के बाद फुल टू फुल मैं सर्वाइव गेम खेलने वाला हूँ, ठीक है। तो कूप लेके यहाँ पर बंदे स्पॉट करने के लिए निकलता हूँ, मुझे सामने ड्रॉप दिखता है, ड्रॉप को लूटता हूँ, मुझे लगा यहाँ पर MG मिल जाएगी पर नहीं मिलती है, और मैं कूप लेके यहाँ से आगे निकलता हूँ। अब भाई कूप में ना काफी फ्यूल खत्म हो चुका था, तो मैं सोचता हूँ हमने बग्गी थी बग्गी लेके यहाँ से निकलता हूँ, और हो सकता है अगर यहाँ पर इवेंट पे कोई बंदे का फुट आएगा तो मैं फाइट ले लूंगा, पर यहाँ पे किसी बंदे का फुट आता नहीं है। मैं सोचता हूँ
हो सकता है कि भाई बंदे यहाँ पर घर पे हो, पर यहाँ पर घर पे भी कोई भी नहीं था। तो मैं सोचता हूँ भाई फोरकर का टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस बग्घी लेके निकलते गडकरी साइड में। हो सकता है वहाँ पे एक दो बंदे अभी और आ चुके होंगे, तभी मेरे पीछे ना एक कैप्सूल मेरा पीछा कर रहा था। भाई यहाँ पर तो भाई को पता भी नहीं चला कि भाई यहाँ पर कम मर गया। भाई डीवीएस सच में यार क्या बहुत गंदी चल रही है भाई। यहाँ पर ये समझ लो अगर तुम चूक नहीं करते हो ना तो भाई एक गोली में पक्का अंडर 1% बंदे को मार दोगे, ठीक है, अगर क्लोज में रहेगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद ना मैं बग्घी लेके जैसे यहाँ पर निकलता हूँ गटकर साइड में, और भाई इस बंदे को मैंने M4 से काफी अच्छा डैमेज दिया। बंदा बहुत ज्यादा कवर में था, उसके बाद मैं इसको डीवीएस चुप करने के बाद बंदे को इजी मार देता हूँ। अब मेरे यहाँ पर 10 किल हो चुके थे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर काफी सारे मेरे पे टोकन भी हो चुके थे, तो मैं यहाँ पर बॉट की भी क्रेट लूटता हूँ क्योंकि मेरे पे टोकन थे कुछ ही कम थे। तो मैं सोचता हूँ सामने 2-3 घर है उनको लूटता हूँ। अभी मेरे पास कम से कम रिकॉल था, ठीक है, 1.5 मिनट का रिकॉल था मेरे पे, तो मैं अगर चाहता तो इन घर को आराम से लूटूंगा एंड बंदा होगा तो मार देंगे, वरना मुझे यहाँ पर टोकन इतना तो मिल जाएगा 2-3-4, उतना ही टोकन कम था 100 में, ठीक है। तो 2-3 टोकन लेने के बाद ना मैं सीधे निकलूंगा भाई शॉप पे, क्योंकि मुझे यहाँ पर फिलियर चाहिए और लास्ट में बीएडम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भाई 10 किल निकल चुके थे और 10 किल के बाद अगर बीएडम में लास्ट में सर्वाइव करूंगा वहाँ पर 2-3 किल इजी निकालने के बाद चिकन का ट्राई करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर पता है अच्छा खासा प्लस मिलेगा। पर मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाई ये चीज मैंने भी यहाँ पर सोची थी, पर जो स्कैम मेरे साथ हुआ ना भाई वो आप लोग के साथ कभी ना हो मेरे भाई। मैं क्यों बोल रहा हूँ बस देखते जाओ। अब वहाँ पर सारे टोकन कलेक्ट करने के बाद ना मैं सीधे आता हूँ फ्लेयर पे, मतलब शॉप पे, और वहाँ पर फ्लेयर लेने के बाद मैं बग्घी लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। अब मुझे पता था मुझे यहाँ पर कहाँ पर होल्ड करना है एंड जो सामने सैक रहता है उस पर अगर होल्ड करूंगा एंड जैसे अगर वहाँ से सर्कल कट जाएगा मैं सीधे आके वहाँ पर फ्लेयर चलाऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि भाई इस पे सैक पर कोई बंदा है या नहीं है, पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। उसके बाद जैसे सैक के अंदर आता हूँ होल्ड करता हूँ और जैसे मेरे यहाँ पर फ्लेयर चलाने का टाइम आता है मैं तुरंत बाहर निकलता हूँ और फ्लेयर चलाता हूँ। और जब भी मैं फ्लेयर चलाता हूँ भाई ओपन में आके ना सच्ची बोल रहा हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अगर मैं ओपन में जा रहा हूँ कोई बंदा ने ईजी स्पॉट कर लिया ना तो भाई मेरे को यहाँ पर मार देगा। अब यहाँ पर फ्लेयर चलाने के बाद मेरी बीएडम आ चुकी थी, इसके बाद यहाँ पर पावर को यूज़ करके सीधे बीएडम पर निकलता हूँ। हो सकता है कि कोई बंदा मेरे पे यहाँ पर एम ना रखा हो इसलिए मैं पावर को यूज़ करता हूँ, उसके बाद बीएडम लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। और काफ़ी देर तक मैं इसी पहाड़ी पे होल्ड करता हूँ क्योंकि भी सर्कल था इसलिए मैं यहाँ पर काफ़ी देर होल्ड करता हूँ। और जैसे यहाँ पर सर्कल स्टार्ट होता ना मैं बीएडम लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। अब बस मुझे यहाँ पर ये चीज़ देखना था कि मुझे बीएडम को सेफ रखना है लास्ट तक और कैसे कहाँ रखना है बीएडम को, बस यही देखना था। और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर हल्का सा भी सर्कल है तो मैं यहाँ पर होल्ड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर बीएडम भी सेफ रहेगी एंड जो राइट वाले जो घर थे ना वहाँ पर सर्कल नहीं था तो मतलब वहाँ पर कोई बंदा भी फिर नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर पेड़ के पास यहाँ पर होल्ड करता हूँ। अब मैं जैसे ही बीएडम लेके आगे निकलता हूँ ना मुझे सामने ना एक बंदा स्पॉट होता है जो कि तुम देखो राइट में सेक के पास आया था। मुझे पक्का था कि इस बंदे की यहाँ पर काफी एचपी डाउन होगी क्योंकि इस सर्कल से बाहर था। अब इस बंदे के साथ सीन क्या हो ना वो देखो, मतलब ये समझ लो अगर इस बंदे को एक या दो गोली पड़ी होगी और यहाँ पर बंदा मर चुका था क्योंकि बंदे की जो एचपी नहीं वो काफी डाउन थी क्योंकि ये बंदा सर्कल के काफी बाहर था। ठीक है, तो यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद अब जो सेंटर था ना वो काफी सारे घर थे, मुझे यहाँ पर बीएडम को कैसे भी करके सेफ रखना था। अगर सर्कल घर के पास बनेगा तो मैं यहाँ पर उड़ के सीधे बंदे पे पोस्ट कर दूंगा, मैंने सोचा कुछ ऐसा था। अब मैं बस कैप अपना बीएडम लेके यहाँ से निकल रहा था, जैसे मेरे को यहाँ पर हल्का सा सर्कल दिखता है तो मैं सोचता हूँ भाई अपने बीएडम को यहीं पर होल्ड करवाऊंगा। यहाँ पर होल्ड करने के बाद अगर कोई बंदा रोटेशन लेगा तो उन बंदों को यहाँ पर मारने का ट्राई करूंगा, पर भाई यहाँ पर एक ऐसा बंदा लेटा था जो कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पर मैं इस बंदे को यहाँ पर ट्राई करा मारने के लिए, जैसे यहाँ पर दूसरे बंदे को मारने के लिए ट्राई करता हूँ तभी यहाँ पर ये बंदा देखो भाई, मतलब पीछे ही लेटा था भाई, गलत ही स्कैम हो चुका था। और यहाँ पर मेरे को प्लस मिला था सिर्फ 2। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना गाइस।